ऑफ ऑक्स, ये सारा हमने मैंडिबल ऑफ ऑक्स के बारे में पढ़ लिया। अब बताओ इसमें से कुछ जो नहीं समझ में आया हो या पूछना हो। मैंडिबल ऑफ ऑक्स बताइए, पूछना है कुछ इसमें आगे बढ़े। यस मैम, समझ में आ गया? ठीक यस मैम। है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंडिबल ऑफ हॉर्स की तरफ। देखिए ये मैंडिबल ऑफ हॉर्स, ये मैंने लिया हुआ है मैंडिबल ऑफ हॉर्स। क्वाइट हैवी, क्योंकि हॉर्स जो है वो एनिमल भी हैवी है, एडल्ट हॉर्स का ये मैंडिबल। अच्छा ये देखिए, सॉकेट्स, सॉकेट्स फॉर इंसाइजर। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी हॉर्स का, 3033 mon 3033। ठीक है ना, इन केस ऑफ मेयर, और इन केस ऑफ स्टेलियन इट इज 3133 3133। चलिए काउंट करते हैं हम कि किसका होगा, हम पहचानते हैं ये मेयर का होगा कि स्टेलियन का होगा। ठीक है, तो ये देखो सॉकेट्स, एक ये 1 2 3, फिर 1 2 3, नहीं गड़बड़ हो गया, 1 2 3। एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, जो इंसाइजर है उसके जो सॉकेट्स, अच्छा एडिशनल सॉकेट्स पहले देख लो। ये दो सॉकेट्स एडिशनल दिख रहे हैं आपको, ये दो सॉकेट्स एडिशनल दिख रहे हैं, है ना? यस मैम। ये कैनाइन के लिए, दीज आर फॉर कैनाइन। ठीक है, दीज आर फॉर कैनाइन टीथ, दैट्स व्हाई इट इज मेल। क्या है ये? मेल है ये, स्टेलियन हाँ ये स्टेलियन का है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली इसमें जो इंसाइजर भी होते हैं वो मोलार के जैसे डबल वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें दिस इज ऑफ मेल। हियर यू सी दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। अब हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। मैंडिबुलर सिम्फाइसिस इज काइंड ऑफ, हियर क्या होगा, सिनोस्टोसिस। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैंडिबुलर सिनकोन्ड्रोसिस, बिकॉज दिस ज्वाइंट इज इमोवेबल। इन केस ऑफ हॉर्स दिस ज्वाइंट इज इमोवेबल, मैंडिबुलर सिम्फाइसिस इमोवेबल इन केस ऑफ हॉर्स इज। और ये क्या है, ये एक्सटेंसिव भी है थोड़ा,
ये देखो दिख रहा है मल्टीपलर सिंफाइसिस सभी को, यस मैम, है ना? तो काफी पीछे तक है और थोड़ा, इट इज एक्सटेंसिव एंड बिकम्स एन आर्थ्रोसिस। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो मैंडिबुलर मेंटल फोरामिन का लेबल वही है जो उसमें था, मेंटल फोरामिन। एंड देन आफ्टर यू सी द प्रोसेस, ठीक है? द कोरोनॉइड प्रोसेस आर स्ट्रेट, दे आर नॉट कर्व्ड इन केस ऑफ हॉर्स, दे आर स्ट्रेट। कोरोनॉइड प्रोसेस आर स्ट्रेट और नॉट, दे आर नॉट पॉइंटेड, ये ब्लंट भी है यहाँ से, ठीक है? वो क्या हो रहा था, वो टेपरिंग था। इन केस ऑफ ऑक्स इट वॉज टेपरिंग, इन केस ऑफ ऑक्स इट वॉज टेपरिंग लिटिल बिट, बट इन केस ऑफ हॉर्स दे आर नॉट टेपरिंग। फिर यहाँ पर हम देखें कॉन्डिलार प्रोसेस, कॉन्डिलार प्रोसेस दे आर कॉन्वेक्स। ये देखो ये उठा हुआ है ऊपर का हिस्सा, ठीक है? कॉन्डिलार प्रोसेस आर कॉन्वेक्स इन केस ऑफ हॉर्स, हाउएवर मैंने आपको क्या बोला था इसमें, दे आर हैज डिप्रेशन ऑन द कॉन्डिलार प्रोसेस ऑफ ऑक्स, ठीक है? सो फिर सॉकेट्स का नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे सॉकेट्स चीक टीप का सॉकेट तो वही होगा 3-3। आगे तो इंसाइजर सॉकेट्स विल बी चेंज इन मेल एंड फीमेल, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल इन केस ऑफ हॉर्स। तो दिस विल बी द डिफरेंस इन केस ऑफ हॉर्स मैंडिबल। फिर हम आते हैं डॉग मैंडिबल। ये देखो ये दिस इज मैंडिबल ऑफ डॉग, दो टू हाफ्स गेट सेपरेटेड आउट ओवर हियर, मतलब इसकी सिंफाइसिस काफी कमजोर थी जो ब्रेक हो गया, ठीक है ना? सो दिस इज मैंडिबल ऑफ डॉग। अब हम डॉग में अगर डिस्कशन करेंगे देन यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द डेंटल फॉर्मूला, है ना? तो डेंटल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 3142/3143, सही है ना? 3142/3143। सो हियर द सॉकेट्स, छोटे छोटे से सॉकेट्स दिख रहे होंगे, है ना? एक तो छोट डॉग में ब्रीड वाइज रहती है, डिफरेंशिएशन काफी हो जाएगा ना, अगर लार्ज ब्रीड डॉग होगा लाइक जर्मन शेफर्ड, सो इन दैट द मैंडिबल विल आल्सो बी लार्ज इन दैट स्पीसीज इन दैट ब्रीड। तो ब्रीड पे डिपेंड करेगा मैंडिबल का साइज, सो लाइक अब मैंडिबल ही छोटा है तो एल्वियोलर सॉकेट्स भी छोटे छोटे हैं, एंड सॉकेट्स फॉर कैनाइन ऑल्सो ओवर हियर। तो इंसाइजर के लिए सॉकेट्स तो कितने होंगे इसमें बताओ, हाउ मेनी सॉकेट्स फॉर इंसाइजर इन केस ऑफ डॉग? 3, 6 हो जाएंगे, है ना? 6 फॉर इंसाइजर, एंड फॉर कैनाइन 2 इन ईच साइड, 1 ऑन ईच साइड, 2 ऑन ईच साइड नहीं, 1 ऑन ईच साइड, ठीक है? और हम इस पार्ट को 1 कंसीडर करते हैं ना इंसाइजर पार्ट को, तो इसे टोटल बोलते हैं 6 फॉर इंसाइजर एंड 2 फॉर कैनाइन सॉकेट्स। अच्छा अब एल्वियोलर सॉकेट्स कितने होंगे? 8 कैसे? टोटल 8 बोल नहीं, क्या डेंटल फार्मूला क्या पढ़ा था, 3142/3143 पढ़ा था ना? 7 होंगे। यस मैम, 7 होंगे ना, 4 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, सही है ना? यस मैम, 3143 है ना नीचे, 3143 है, दैट इज व्हाई 4 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो सॉकेट्स फॉर चीक टीथ आर 7 सॉकेट्स, 4 फॉर प्रीमोलर एंड 3 फॉर मोलर, 7 सॉकेट्स फॉर चीक टीथ इन मोलर पार्ट, राइट? देन यू सी हियर देयर इज डीप कॉन्केविटी इन रेमस, दिख रहा है आपको, देयर इज डीप कॉन्केविटी इन द रेमस पार्ट ऑफ, इन द लेटरल सरफेस ऑफ रेमस द डिप्रेशन इज डीप एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेसेट्रिक फोसा। इन केस ऑफ डॉग इट इज टर्म्ड एज मेसेट्रिक फोसा, काम वही है अटैचमेंट ऑफ मेसेटर मसल,
there also there was attachment of masseter muscle, but here it is like deep cavity, that is why it is called masseteric fossa. ठीक है, फिर हमने टू प्रोसेसेस पढ़ा था, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कॉन्डिलार प्रोसेस पढ़ा था. सो दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, दिस इज कॉन्डिलार प्रोसेस. वन एडिशनल प्रोसेस इज प्रेजेंट हियर इन केस ऑफ डॉग कॉल्ड एंगुलर प्रोसेस, ANGULAR, एंगुलर प्रोसेस. एंगुलर प्रोसेस बिकॉज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ जॉ, प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ जॉ कॉल्ड एंगुलर प्रोसेस, राइट. सो एडिशनल प्रोसेस एंगुलर प्रोसेस प्रेजेंट, दिस इज एंगुलर प्रोसेस, दिस इज कॉन्डिलार प्रोसेस, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस. ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों को सारी चीज बता दी जो कि मेजर मेजर चीजें हैं. हियर द मैंडिबुलर फोरामेन इज प्लेस कंपैरेटिवली लोअर इन लेवल, थोड़ा नीचे है, वहां मैंडिबुलर फोरामेन थोड़ा ऊपर था रेमस में, है ना. हियर इट इज कंपैरेटिवली लोअर इन लेवल इन केस ऑफ डॉग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ मैंडिबल ऑफ डॉग, राइट. तो हमने आज मैंडिबल ऑफ ऑक्स, मैंडिबल ऑफ हॉर्स एंड मैंडिबल ऑफ डॉग ये पढ़ा, इसका डिस्कशन. अब आप बुक खोलिएगा, बुक में देखिएगा, ठीक है, क्या उसमें लिखा है, बुक में क्या लिखा है और हमने क्या पढ़ा है. ठीक, कुछ चीज समझ में नहीं आती है अगर तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. ठीक है, और किसी को कुछ अभी कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? और बहुत सारे बच्चे शुरुआत में मतलब ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसे चलेगा नहीं. पढ़ो नहीं तो फिर, क्योंकि आप लोग के एग्जाम तो ऑनलाइन नहीं होंगे, आप लोग के एग्जाम तो ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि एक दो महीने बाद जब खुलेगा, जब भी एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन होगा तो भाई पढ़ना तो होगा. ठीक है, तो थोड़ा सिंसियर ही ऑनलाइन कब तक चलता रहेगा? आई थिंक ये मार्च और अप्रैल में शायद खुल जाए. मार्च इन में खुलने के चांसेस हैं या अप्रैल में? अप्रैल, अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल. ओके, थैंक यू. ठीक है, चलिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मैक्सिला. ठीक है, अगली क्लास में मैक्सिला पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, thank you, ma'am.